क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होने वाला है कि फिर से कमल खिलने वाला है? डेफिनेटली परिवर्तन होने वाला है, झाड़ू चलने वाला है। झाड़ू चलने वाला? बिल्कुल झाड़ू चलने वाला है। कैसे लग क्यों रहा है आपको झाड़ू? लग बड़ौदा में ये पहला संवाद हो रहा है, लेकिन मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल KDX न्यूज ओपिनियन के अंदर। वहीं आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर करें। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव 2022 में क्रेज में चल रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि भाजपा के 5 बड़े दिग्गज नेताओं ने बीजेपी को इस्तीफा दे दिया है और आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हो चुके। वहीं दोस्तों अरविंद केजरीवाल के सूरत दौरे के बाद भाजपा के कई बड़े नेताओं की नींद उड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषणा में यह कहा है कि हम महिलाओं के खातों में 12,000 रुपये सीधा जमा करवाएंगे और बस यात्रा एवं ट्रेन यात्रा उनके लिए फ्री होगी। वहीं दोस्तों आपको बता दूंगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी अभी गुजरात के अंदर धमाकेदार फॉर्म में चल रही है और बीजेपी पार्टी जो 27 सालों से गुजरात के अंदर अपना क्रेज या दबदबा बनाए बैठी थी, उनको यहाँ से निकलना पड़ेगा अभी। वहीं दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा है कि अगर हम 5 सालों में कोई विकास नहीं करेंगे तो आप हमें लात मार के भी बाहर निकाल सकते हैं। वहीं दोस्तों ये भी कहा है उन्होंने कि बीजेपी ने 27 सालों में कितना विकास किया है वो जनता को एक बार जरूर बताएं। आप किस क्षेत्र से हमारा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। सर्वप्रथम बात करें बनासकांठा की, यहाँ पर कुल 9 सीटें, 9 में से 5 आम आदमी पार्टी को, 2 बीजेपी को और 2 कांग्रेस पार्टी को मिली है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ बात करें गांधीनगर की, कुल 5 सीटों पर तो 5 में से 2 बीजेपी, 2 आम आदमी पार्टी को और 3 बीजेपी पार्टी को मिली है। वहीं दोस्तों बात करें अरावली की, कुल 3 सीटों पर तो 3 में से 1 आम आदमी पार्टी को, 1 बीजेपी को, 1 कांग्रेस पार्टी को मिली। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ बात करें अहमदाबाद की, कुल 21 सीटों पर तो 21 में से 10 आम आदमी को मिली है और 7 बीजेपी को और 3 कांग्रेस को, 1 अदर पार्टी को सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों राजकोट की, कुल 8 सीटों पर बात करें तो 8 में से 5 आम आदमी पार्टी को, 1 बीजेपी को, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी को 2 सीटें प्राप्त हुई। सोमनाथ की, कुल 4 सीटों पर बात करें तो 4 में से 2 आम आदमी पार्टी को, 1 बीजेपी को और 1 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई। और बात करें मेहसाणा की, कुल 7 सीटों पर 7 में से 3 बीजेपी को, 3 आम आदमी पार्टी को और 1 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुई है। वहीं दोस्तों भरूच की, कुल 5 सीटों पर बात करें तो 5 में से 3 बीजेपी को और 2 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई है। जी बीजेपी को 0 सीटें प्राप्त होती नजर आ रही है। वहीं दोस्तों सुरेंद्रनगर की 5 सीटों पर बात करें तो 5 में से 2 आम आदमी पार्टी को, 2 बीजेपी को और 1 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई। वहीं दोस्तों अगली सीट नवसारी की, कुल 4 सीटों पर बात करें तो 4 में से 3 आम आदमी पार्टी को और 1 सीट बीजेपी को मिले। अगर आप नवसारी से है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं दोस्तों बात करें सूरत की, कुल 16 सीटों पर यह अहमदाबाद, ये गुजरात की एक हॉट सीट है। यहाँ पर 15 सीटें बीजेपी को, 1 कांग्रेस को, बीजेपी को 0 सीटें हासिल हुई है। वहीं दोस्तों बात करें वडोदरा की, कुल 10 सीटों पर तो 10 में से 3 आम आदमी पार्टी को, 5 बीजेपी को, 1 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं दोस्तों बात करें जूनागढ़ की, कुल 5 सीटों पर तो 5 में से 4 बीजेपी, आम आदमी पार्टी को और 1 बीजेपी पार्टी को प्राप्त हुई है। कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। कच्छ की, कुल 6 सीटों पर बात करें तो 6 में से 2 बीजेपी कांग्रेस को, 3 बीजेपी को और 1 आम आदमी पार्टी को प्राप्त हुई। वहीं दोस्तों बात करें अमरेली की, कोई 5 सीटों पर तो 5 में से 4 आम आदमी पार्टी को, 1 बीजेपी को, कांग्रेस का सुपड़ा साफ और अदर पार्टी को भी 0 सीटें प्राप्त हुई। वलसाड़ की, कुल 5 सीटों पर बात करें तो 5 में से 2 आम आदमी पार्टी को, 3 बीजेपी को, कांग्रेस को 0 एवं अदर पार्टी का सुपड़ा साफ। द्वारका देश की, कुल 2 सीटों पर बात करें 2 में से बीजेपी को 2 ही पाप तो की 2 प्राप्त हुई, ये हिंदुओं का गढ़ माना जाता है। वहीं दोस्तों बात करें खेड़ा की, कुल 6 सीटों पर तो 6 में से 2 आम आदमी पार्टी को, 3 बीजेपी को और 1 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई है। वहीं दोस्तों अगली सीट दाहोद की बात करें तो दाहोद में कुल 6 सीटें, 6 में से 2 आम आदमी पार्टी को और 4 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई है और बीजेपी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। जामनगर की, कुल 5 सीटों पर बात करें तो 5 में से 3 बीजेपी को, 2 आम आदमी पार्टी को और बाकी सबका सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।